टाइगर राजा सिंह एकमात्र ऐसा हिंदूवादी नेता है, जब रामनवमी को वह रैली लेके निकलता है भगवान श्री राम की, जो प्रतिमा के साथ चलता है, लाखों लाख की भीड़ रहती है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, वहाँ का होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट पूरी एक बैठक करती है, उस दिन कोई भी मौलाना मौलवी और मुसलमान टोपी नहीं लगाएगा, इतना खौफ है उस आदमी का। इस बंदे ने भाग्यनगर नाम रखने की बात करी, और अभी पिछले दिनों तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना है रामानुजाचार्य का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पे उतरे ना, उनके स्वागत में टी राजा खड़ा हुआ था, इतनी पहुंच है उस बंदे की। वो अकेला बंदा पूरा का पूरा स्टेट जीत सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। वो धर्म के लिए, वो पहले 3 बार बीजेपी को वार्निंग दे चुके हैं, पहले लिए मेरे लिए धर्म है, बाद में भारतीय जनता पार्टी है, पहले लिए मेरे सनातन धर्म है, मेरे प्रभु श्री राम है, बाद में बीजेपी है। उन्होंने अपनी विदाई की छोड़ दी थी 3 बार। इस देश में अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए या टाइगर राजा सिंह जी जैसे बन गए, उस दिन इस देश में तानाशाही लगनी चाहिए। इन्होंने लगाया था 18 महीने का इमरजेंसी, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 महीने की लगाओ, ये पूरा देश सिविलाइज हो जाएगा। इस देश में आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर है, फिर भी शाहीनबाग किया जाता है, नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया जाता है, वहाँ खिलाफत 2.0 के नारे लगते हैं। सर, खिलाफत 2.0 का मतलब समझते हो? जब इस देश में पहली खिलाफत हुई थी ना 1947 में, 10 लाख से ज़्यादा हिंदू मारा गया था ऑफिशियली। वो तो बकर ईद पे कलमा पढ़ के बकरा काट के बच्चों को भी सिखाते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, हिंदू के पास तो लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। टाइगर राजा सिंह बोल्ड आदमी है, कट्टर हिंदुत्ववादी है, और टाइगर राजा सिंह उनका पूरा समर्थन है, ये अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हमारे साथ रामेश्वर आर्या जी जुड़े हैं सर, हमारे चैनल पर ओ न्यूज़ हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ओ न्यूज़ का। धन्यवाद रामेश्वर आर्य जी, बताइएगा कि जिस तरीके से नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सरतन से जुदा की बात कही जा रही है, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वैसे ही जरूरी नहीं जैसे टी राजा सिंह के ऊपर की गई? सर, ये धारा 307 लगनी चाहिए, अपना अटैम्प्ट टू मर्डर केस। क्यों? क्योंकि ये सर तन से जुदा, मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरा ये तन है, ये सर है, इसको काट दिया, सर तन से जुदा। कुछ लोगों को उर्दू नहीं समझ आती तो मैं समझा रहा हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से। कन्हैया कुमार एक टेलर, भारत का अंतिम व्यक्ति, उस व्यक्ति को इन्होंने रडार पे लिया, उसके बेटे से एक स्टेटस अपलोड हुआ था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। उस व्यक्ति की दुकान पे पहुँचे मुस्लिम लोग और धमकी दी कि हम तुझे मार देंगे। वो बंदा पुलिस कंप्लेन करने गया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, पुलिस ने उस पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। उस बंदे को सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई। 2014 से स्लीपर सेल इस देश में रह रहे थे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, ये 2014 से ट्रेनिंग लेके भारत में रह रहे थे, और उन्हें बीजेपी में घुसपैठ करने को भी कहा गया था। उस व्यक्ति ने जब उसकी गर्दन काटी तो 17 तारीख को, ये 3 जुलाई की बात है जब गर्दन काटी, और 17 जून को वो वीडियो बना चुका था कि अब हम गर्दन काटेंगे, किसकी? नुपुर शर्मा की। अगर नुपुर शर्मा की नहीं काट पाए तो जिसकी भी काटेंगे, तो वीडियो तो डल गई। उसमें उन्होंने कहा, अरे नरेंद्र मोदी लड़ाई तुमने शुरू करी है, ख़त्म हम करेंगे। सर, ये चैलेंज पता है किसको है? पूरे भारत को है, पूरे भारत को काटने की धमकी दी गई है। एक स्लीपर सेल हमारे आजू बाजू भी घूम रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव कब होंगे? जब सर तन से जुदा नारे लगेंगे और बदला कोई जिहादी ले लेगा। और सपोज करो नुपुर शर्मा को तो चलो कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ टाइगर राजा सिंह एकमात्र ऐसा हिंदूवादी नेता है, जब रामनवमी को वो रैली लेके निकलता है भगवान श्री राम की, जो प्रतिमा के साथ चलता है, लाखों लाख की भीड़ रहती है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, वहाँ का होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट पूरी एक बैठक करती है, उस दिन कोई भी मौलाना मौलवी और मुसलमान टोपी नहीं लगाएगा, इतना खौफ है उस आदमी का। इस बंदे ने भाग्यनगर नाम रखने की बात करी, और अभी पिछले दिनों तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना है रामानुजाचार्य का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पे उतरे ना, उनके स्वागत में टी राजा खड़ा हुआ था, इतनी पहुंच है उस बंदे की। वो अकेला बंदा पूरा का पूरा स्टेट जीत सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। संजय बंडी वगैरह तो बाद में है, पहला शेर तो यही है टी राजा सिंह। हमने गौरक्षा आंदोलन में उन्हें बुलाया था, और एक बंदे की पूरे भारत में लोग जानते हैं, जैसा कि अमित राठौर जी बता रहे थे, ये कट्टर हिंदूवादी भाई है अपने, एक भी बात कही है सब कुछ सच कहा है इन्होंने, आप तैयार हिंदू राष्ट्र की है। वो धर्म के लिए, वो पहले 3 बार बीजेपी को वार्निंग दे चुके हैं, पहले लिए मेरे लिए धर्म है, बाद में भारतीय जनता पार्टी है, पहले लिए मेरे सनातन धर्म है, मेरे प्रभु श्री राम है, बाद में बीजेपी है। उन्होंने अपनी विदाई की छोड़ दी थी 3 बार, लेकिन अब उन्हें निकाला गया, वो मजबूरी थी। उन्होंने जो फारूकी है ना, मुनव्वर फारूकी को जवाब देना था, क्योंकि उसका कार्यक्रम आयोजित हुआ हैदराबाद में, सिर्फ ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है।
आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके का उनका भाग्यनगर के अंदर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया, समृद्ध करने के लिए काम भी कर रहे थे, तो क्या उनके महल में घुसना और ये करना क्या पॉसिबल है? जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि उनके महल में घुस जाऊंगा, अंगार में बदल दूंगा, ये कर दूंगा कांग्रेस नेता, ये सिर्फ हवाबाजी है या वाकई में इनके बस की है ऐसा कुछ? सर, विधायक का एक एरिया होता है, उस एरिया का नाम है गोशा महल। उस गोशा महल में कांग्रेस के एक नेता ने धमकी दी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके, कहा है कि हम वहाँ जाके इनका उसकी गाड़ी रोको राजा की और मारो, अगर तुम नहीं मार सकते, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। उसको कहा गया कि आप इन्हें 23 तारीख को अरेस्ट कर लो, अगर नहीं कर पाए तो हम वहाँ पे घुस के दंगे करेंगे, जला देंगे गोशा महल को। ये कांग्रेस का बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दो लोगों ने बयान दिया, राहुल गांधी की पीठ पर फोटो लगी है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है वो वीडियो। मैंने वो वीडियो डाली, वायलेशन में आगे डिलीट कर दी गई सरकार द्वारा। मैं उसी सरकार से कहता हूँ, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते आप। I&B मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? I&B मिनिस्ट्री से मेरी एक शिकायत और है, ये जो ठाकुर जी है ना, अनुराग ठाकुर, आपको पता है ये आज जो सर तन से जुदा नारे लग रहे हैं, एक बंदा है उसका नाम है तस्लीम रहमानी, SDPI का प्रवक्ता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो PFI का पॉलिटिकल विंग है। उस बंदे ने भगवान शिव का अपमान किया, जो काशी में, जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग मिलवाए विश्वेश्वर महादेव का, उसको अपमान किया शिवलिंग का। तब उस लड़की ने प्रतिक्रिया में कहा, तस्लीम रहमानी तुम मेरे शिवलिंग का अपमान करो, मेरे महादेव का अपमान मत करो, मैं प्रतिक्रिया दे दूंगी। फिर उसने प्रतिक्रिया दे दी। जाकिर नायक ने यही बात बोली थी जो नूपुर शर्मा ने बोली, और वही बात बोली टाइगर राजा ने, पर टाइगर राजा ने इनडायरेक्टली बोली, तब भी कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं। लेकिन इनके लिए सर तन से जुदा नारे, सर तन से जुदा नारा अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ सो रहा है? ऐसे जो भड़काऊ भाषण चलते हैं उन पर सुओ मोटो ले। इस देश में आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर है, फिर भी शाहीनबाग किया जाता है, नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया जाता है, वहाँ खिलाफत 2.0 के नारे लगते हैं। सर, खिलाफत 2.0 का मतलब समझते हो? जब इस देश में पहली खिलाफत हुई थी ना 1947 में, 10 लाख से ज़्यादा हिंदू मारा गया था ऑफिशियली, और ये खिलाफत 2.0 करेंगे तो पता नहीं कितने हिंदुओं को काट देंगे, क्योंकि हिंदुओं के पास तो हथियार है ही नहीं, वो तो बकर ईद पे कलमा पढ़ के बकरा काट के बच्चों को भी सिखाते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, हिंदू के पास तो लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई भी किसी को मार जाता है, गौस मोहम्मद मार जाता है कन्हैया लाल को, सर तन से जुदा नारे लगते हैं, फ्राइडे को ये एकत्रित होते हैं, फ्राइडे की नमाज के बाद कभी ये कानपुर में दंगे कर देते हैं, कभी रायपुर में कर देते हैं, कभी वेस्ट बंगाल में कर देते हैं, हैं तो सर हमें रोक लगानी पड़ेगी। हमें नहीं, हमें तो जागरूक होना ही है। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वे सर्वा है, जो लोकतांत्रिक देश में सबसे सर्वोच्च एक वो है, पदवी है उनकी, जो सरकार को भी होल्ड करता है, उनको सुओ मोटो लेना पड़ेगा। राजा सिंह ने जेल में जाने से पहले ही लगभग उनको पता लग गया था कि मुझे, मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है और मैं जेल में जाऊंगा। उन्होंने एक मैसेज दिया और कहा कि अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए जो हम काम कर रहे थे वो आगे जो है वो जारी रहेगा और भारत को अखंड बनाने के लिए हम जारी रहेंगे, मैं वापस आऊँगा। क्या कहेंगे? सर, उस व्यक्ति ने अखंड हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है मैं पूरा समर्थन करता हूँ। टाइगर राजा सिंह बोल्ड आदमी है, कट्टर हिंदुत्ववादी है, और उस भाई का पूरा समर्थन है। हम नूपुर शर्मा बहन को भी समर्थन करते थे, भाई टाइगर राजा सिंह जी को भी समर्थन करते हैं, ठीक है। हमारी भाग्यनगर के जो विधायक हैं टाइगर राजा सिंह, उनका पूरा समर्थन है, ये अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जैसा कि अमित राठौर जी ने भी कहा है, जो हिंदू राष्ट्र सेना चला रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है कि भारत के हिंदुओं को, जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा रखते हैं अंदर दिल में रखते हैं कि भाई जय श्री भगवान श्री राम महादेव और श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान हैं, अगर उनके नाम से आप पूजा कर रहे हो तो घर के बाहर लिखो भारत हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ एक इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, भारत के प्रेम्बल में कहीं भी सेकुलर वर्ड नहीं था। जब ये देश आज़ाद हुआ 1950, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान बना है, और पहली प्रतिमा में कहीं भी नहीं लिखा के भारत सेकुलर है, भारत सेकुलर नहीं है। मैं कहता हूँ जिस देश में, इस देश में अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए या टाइगर राजा सिंह जी जैसे बन गए, उस दिन इस देश में तानाशाही लगनी चाहिए। इन्होंने लगाया था 18 महीने का इमरजेंसी, मैं कहता हूँ सिर्फ एक महीने की लगाओ, ये पूरा देश सिविलाइज्ड हो जाएगा। इस देश में एक बार एक महीने की इमरजेंसी ज़रूरी है, एक महीने की तानाशाही ज़रूरी है, उसमें इस देश का एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए। जैसे हमारा संविधान बहुत बड़ा है, बहुत आर्टिकल है, उसमें 110 से ज़्यादा तो अमेंडमेंट हो चुके हैं, पर यहाँ पे सुधार की बात नहीं होती। 31
अमेरिका का संविधान देखोगे सिर्फ 31 आर्टिकल हैं, चाइना का देखोगे कुछ 10 भी नहीं है सर, और हमारे सैकड़ों हैं सैकड़ों। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता संविधान पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिविलाइज्ड होना ज़रूरी है देश को, ये अनसिविलाइज तरीके से चल रहा है देश। पहले मैं तो अमेंडमेंट इतने ज़्यादा, सेकुलर वर्ड जोड़ देना, और अगर हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है इसकी धारा 44 लागू कर दो, समान नागरिक संहिता, उसका यही सेकुलर दल यही सब विरोध करते हैं, नहीं करना है हमें। संविधान के तहत ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, उसमें से ये सेकुलर वर्ड निकाल के भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र हम डलवाएंगे।